हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उत्तराखंड या गढ़वाल की फेमस और सर्दियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली पालक की धबड़ी की रेसिपी। कई जगह इसे काकुली भी कहा जाता है। तो ये पालक की एक ऐसी हेल्दी रेसिपी है जो कम इंग्रेडिएंट से, कम समय में और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और आप इस गर्मा गर्म थपड़ी को चावल, झंगोरे, मंडवे की रोटी या फिर सिंपल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिल्कुल ट्रेडिशनली ढंग से इस हेल्दी थबड़ी या काकुली को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम फ्रेश पालक ली है। पालक को मैंने यहाँ पर अच्छे से 4 से 5 बार साफ पानी से वॉश कर लिया है। तो आप यहां पर देख सकते हो मैंने पालक की कोमल और मुलायम डंडियों को नहीं हटाया है क्योंकि इनमें भी काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब हमें यहां पर पालक को बॉईल करना है। तो कढ़ाई में मैं डाल दूंगी सभी धोई हुई पालक। तो सारी पालक मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3/4 कप के लगभग पानी। तो पालक बहुत जल्दी कुक हो जाती है इसीलिए यहाँ पर मैं इसे कढ़ाई में ही बॉईल करूंगी। तो ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट तक मैं इसे कुक करूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर इसे प्रेशर कुकर में भी 1 सीटी आने तक कुक कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 मिनट का समय हो चुका है। तो पालक को ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। तो पालक यहाँ पर बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर लूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी क्योंकि ठंडा होने पर हमें यहाँ पर इसकी एक प्यूरी बनाकर तैयार करनी है। जब तक पालक ठंडी होती है तब तक आगे आने वाले इंग्रेडिएंट्स को देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक छोटा चम्मच जख्या लिया है। ट्रेडिशनली ढंग से इसमें जख्या का ही छोंक लगाया जाता है लेकिन आप इसकी जगह जीरा या फिर काली सरसों का भी यूज कर सकते हो। एक प्याज, एक टमाटर को मैंने बारीक कट कर लिया है और 5 से 6 लहसुन, 3 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को भी बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी उबली हुई ठंडी पालक। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलन के लिए 1 बड़ा चम्मच बेसन। बेसन की जगह आप आटे का भी यूज कर सकते हो तो ये भी पालक के साथ अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो ढक्कन लगाकर मैं यहाँ पर इसे दरदरा ग्राइंड कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे आपको स्पून से दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे ट्रेडिशनली ढंग से दरदरा ही ग्राइंड करना होता है। सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं, फटाफट शुरू करते हैं इसे बनाना। गैस पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई रखी है। तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो ऑयल को हमें यहाँ पर तब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें से धुआं आना शुरू ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें से धुआं आ रहा है और इसमें मैंने डाल दिया है जख्या। जख्या को हमें यहाँ पर अच्छे से क्रैकल होने देना है। अगर हम इसे अच्छे से कुक नहीं करेंगे तो इसमें कड़वापन आ सकता है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये 2 पिंच हींग। हींग डाइजेशन के लिए काफी अच्छी रहती है। इसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बारीक कटी हुई लहसुन। तो लहसुन को मैंने यहाँ पर कट करके डाला है। आप चाहो तो इन्हें ग्रेट करके भी डाल सकते हो लेकिन इस तरीके से कट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें मैं डाल दूंगी अब ये प्याज और साथ ही इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई ये अदरक। मिक्स कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ और यहाँ के लोग जितने सिंपल और सरल होते हैं उतना ही सिंपल इनका खाना भी होता है लेकिन काफी हेल्दी भी होता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये तीखी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप यहाँ पर चाहो तो हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा भी सकते हो। तो हरी मिर्च को भी 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच ये हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे, कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो बहुत ज्यादा मसालों का यूज इसमें नहीं किया जाता है।
तो मसालों को भी भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये बारीक कटे हुए टमाटर। साथ ही इसमें ऐड करूंगी नमक ताकि जो टमाटर हैं जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें क्योंकि पालक में भी नमक होता है। आप चाहो तो टमाटर को ढककर भी 2 से 3 मिनट तक कुक कर सकते हो, लेकिन इसे मैंने इस तरीके से स्पैचुला से प्रेस करते हुए खुले में ही कुक कर लिया है और यहाँ पर टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी पालक की प्यूरी जिसे हमने बनाकर तैयार कर लिया था। तो सारी प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो प्यूरी बनाते समय हमने इसमें आलन के लिए बेसन भी डाला था और बेसन कच्चा था, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को मैं कंटिन्यूसली चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक कुक करूंगी ताकि बेसन भी अच्छे से कुक हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो पालक को उबालते समय जो पानी बचा था उसे मैंने इसमें डाल दिया है। जिस मिक्सर जार में मैंने प्यूरी बनाकर तैयार की थी उसी से मैंने यहाँ पर ये आधा कप से थोड़ा ज्यादा पानी और डाला है, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको इसकी जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पानी का यूज करें। तो यहाँ पर मैं इसे चावल के साथ सर्व करूंगी, तो पानी की क्वांटिटी मैंने थोड़ा ज्यादा रखी है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट का समय हो चुका है इस काफुली या धबड़ी को कुक होते हुए। तो बहुत ही जल्दी हमारी यहाँ पर ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस काफुली या धबड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूंगी। इस गर्मा गर्म काफुली या धबड़ी को मैंने एक बोल में सर्व कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म चावल के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट लगाकर तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स, आप भी उत्तराखंड की इस सिंपल लेकिन बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी इस काफुली की रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए जरूर ट्राई कीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।